और चुप कर, पहले हाथ तो छोड़ मेरी बहन का। ना ना, ना हम नहीं छोड़ेगा। हम प्रेशर का दवा खाकर चाबी लेकर हाथ खड़े खोला क्यों? ताकि दुनिया के सामने हम अब अपना सीना ठोक कर अपना बबल जी का हाथ थाम सके। शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। देखो जो बात हमने एक्सेप्ट कर लिया वो तुम भी एक्सेप्ट कर लो। ये दोनों अब होने वाले हस्बैंड वाइफ है। तुम्हारे ढगांग से कुछ नहीं होने वाला। बेटा क्या कहा भाभी, तुसी होने वाले हस्बैंड वाइफ, वो तुसी मान लिया? कोई ऑप्शन है? अब हमारे भाईटू का दिल गधी पे लग ही गया है तो गधी वो कहता है ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी टाइप्स। ठीक है, तुम लोगों को शादी करनी है कर लो, लेकिन उसके पहले बाबा का आशीर्वाद ले लो। के बाबा का आशीर्वाद? समझे नहीं मतलब। What do you mean by मतलब? तुम भूल गए? आज तक हमारे लाइफ के छोटे मोटे फैसले किसने लिए हैं? हाँ, बाबा से। तो तुम शादी करोगे नहीं करोगे, कब करोगे, क्यों करोगे, कैसे करोगे, ये फैसला कौन करेगा? बाबा लेंगे obviously। बस तो फिर तुम दोनों को शादी करनी है, बाबा का आशीर्वाद लो और ये शादी कर लो। मेरा घर नहीं दिया तो हमसे वादा करो, बाबा का आशीर्वाद लिए बगैर तुम कुछ नहीं करोगे प्लीज। वो तो कर सकता है। ठीक है, हाँ हम वादा करता है। एक लड़की तुम्हारे लाइफ में क्या आ गई? तुम ये भी भूल गए कि हम एक दूसरे को वादा कैसे करते हैं? वादा कर? हाँ, लेकिन छोड़ दो, वो कहीं नहीं जाने वाली, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे अलावा। Only 2 minutes। हम वादा करते हैं। ठीक है तो तुम तैयार हो जाओ। एंड यू कुछ टंका पहन लोगे, पापा आते ही होंगे। चलो अमरीश, मानना पड़ेगा मम्मी जी की चालाक खोपड़ी को नाना जी तो किसी भी कीमत पे आशीर्वाद नहीं देंगे। बाबू जी आप अरे बबल जी, ए क्या हुआ? मर्तिया तो आड़ा बापा ना मेनू कदी आशीर्वाद नहीं देंगे। ओहो, ऐसा क्यों सोचता है? अरे बाबा बहुत अच्छा है, उनको दिल बहुत बड़ा है। तो आड़ा बापा ना बड़ा अच्छा भी होगा, उनका बड़ा बड़ा दिल भी होगा, लेकिन मैंने तो आड़े बापा के साथ बड़े बड़े कांड किए हैं। मैंने उनके पानी वाले मटके में ना दारू मिलाई है और ना मैंने उन्हें करंट वाला रैकेट होता है ना उससे ऐसे ऐसे करके भगाया भी है। और सब तो बड़ी प्रॉब्लम तो ये मर्तिया, वो मैं किसी भी एंगल से बंगाली नहीं दिखती। मैं बड़ी नर्वस हो रही हूँ रजनी, तू ही कुछ कर यार। ओके बुआ, अगर आप बंगाली ना लगने की वजह से नर्वस हो रही हो तो डोंट वरी, इसका सलूशन है मेरे डेटाबेस में। Thank you.
पास बाबा को भगाने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना भी रोल में मत घुसो। हमारे पास एक फोटो है, ये फोटो हम बाबा को दिखा देंगे। जैसे ही बाबा ये फोटो देखेंगे डर के भाग जाएंगे। जस्ट लुक एट दिस फोटो। बाबूजी, दादी जी, एक्चुअली तुम लोगों की भी गलती नहीं है, बहुत डरावना फोटो है। बट हम अमरीश के प्यार में थे, हमने यही फोटो बाबा को दिखाई और बोला बाबा देखिए हम इसी लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं। और ये फोटो देख के ही बाबा को फर्स्ट अटैक आया था। आई एम श्योर आज ये फोटो देखेंगे तो जरूर डर से भाग जाएंगे वो। चलो अच्छा है, एटलीस्ट डैडी जी कुछ काम में तो आए। मम्मी जी, मेरा मतलब है कि मेरे पास बाबा को भगाने के लिए एक सुपर हथियार है। ओ रियली? यस। ये देख, बाबा को मेकअप करोगी? नहीं मम्मी जी, इस कान से हम बाबा की आंख में ऐसे लाइट मारेंगे कि बाबा झंझलाकर उड़ जाएंगे। माँ, मैं भी ये ले आया हूँ। ना ना माँ, बाबा को पत्थर मारोगे? अरे ना माँ, मैं पत्थर नहीं मारूंगा, सिर्फ दिखाऊंगा, ऐसा ऐसा दिखाऊंगा ना वो डर जाएंगे, इसी में भाग जाएंगे। ग्रे मैटर फेड हो चुका है तेरी फैमिली का शान। अगर ऐसी हालत में इनको बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए तो हो सकता है टेररिस्ट ये सोच के हमारी कंट्री में ना आए कि ये घटिया जोक्स उन पर भी मारे जा सकते हैं। मम्मी जी, बाबा कब आएंगे? अम्मू मामू और बुआ तैयार है, वो लोगों को रेडी है तो उन्हें बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड छपवाए। रेडी है तो लेके आओ उन्हें। ओके मम्मी जी। ओके गाइस, टेक योर पोजीशंस, सी टू इट कि बाबा को तकलीफ ना हो। ओके मम्मी जी, अमू मामू और बुआ तैयार है।